हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आज है वेडनेसडे, डेट है आज 17। और आज मैं बनाने जा रही हूँ उन्नति को राधा। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि उन्नति को मैंने कैसे राधा बनाया, और आपकी अगर बेटी है तो आप उसको जन्माष्टमी पे कैसे राधा रानी का रूप दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए हम अपनी उन्नति को बनाना स्टार्ट करते हैं राधा रानी, और आप अपनी बेटियों को स्टार्ट करिए राधा रानी बनाना जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे, और जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रखा है उन्नति का लहंगा, चूड़ा, चूड़ी और बाकी सब सामान। तो जो जो यूज़ होगा वो मैं सारा आपको दिखाऊंगी, और जो नहीं यूज़ होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने उन्नति को उनका लहंगा और चोली पहना दी है, और कह रही थी बहुत टाइट है टाइट है। तो आप अपनी बेटियों को पहले लहंगा चोली पहना दें, उसके बाद चेयर पे बिठा दिया मैंने इन्हें, और थोड़ी सी मैंने क्रीम लगाई है इनके फेस पे, जिससे कि इनका फेस जो है वो ड्राई ड्राई ना लगे। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगा दिया है इनके फेस पे, और अब मैं हल्का सा बिल्कुल फाउंडेशन लगाऊंगी, जिससे कि चेहरे पे इनकी चमक आ जाए। तो डॉट डॉट करके मैंने फाउंडेशन लिया है, और फिर बस स्पंज से इनको मैं मतलब जो है पूरा फेस पे इसको लगा दिया है इनके फाउंडेशन को। तो जब फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे। तो मेरे पास आई शेडो के पैलेट में जो पाउडर था वही मैंने लगाया है। आपके पास कोई भी पाउडर हो वो आप लगा सकते हैं, फेस पाउडर या बेबी पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी आई शेडो लगा सकते हैं। बच्चों के एक बड लीजिए और उससे थोड़ी सी लिपस्टिक लगाइए उस पर, और बच्चों के आईज़ के ऊपर लगा दीजिए, जिससे कि बच्चों की आईज़ जो हैं वो थोड़ी सी रेडिश हो जाएंगी। और अगर आप कलरफुल लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ आप रेड और इसका हल्का शेड पिंक कर सकते हैं, तो ये आपके बच्चों पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्नति के आई शेडो लगा दिया है बड से लिपस्टिक से, और मैंने आई पैलेट का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर उन्नति अपनी आईज़ बंद करके दिखा रही हैं, तो यहाँ पर इनका लग चुका है आई शेडो। अब मैं इनके थोड़ा सा शिमर लगाऊंगी गोल्डन कलर का, जिससे कि इनकी आईज़ पर थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो बस हल्का हल्का मैंने आई बट पर ही शिमर लिया है और इनकी आईज़ पर लगा दिया है। तो इनकी आईज़ हो गई हैं रेडी। तो अब लाइट शेड की ही मैं लिपस्टिक लगाऊंगी इनके, वैसे तो रेड कलर है बट इसका जो टेक्सचर है वो लाइट आता है, तो मैं इनके अब लगा दूंगी लिपस्टिक। और अब मैं लगूंगी थोड़ा सा इनके जो ब्लशर लगाते हैं ना, तो आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप स्पंज से ही लगा सकते हैं। तो मैं दोनों साइड इनकी कॉर्नर वाली साइड पे स्पंज पे लिया है, और दोनों साइड से मैं इनके गालों पे चीक्स पे ब्लश कर दूंगी। और पिंक कलर का मैं लगाया है, ये इनका नेकलेस है जो मैंने मैचिंग का लिया है रेड कलर का। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की मैचिंग का इनका नेकलेस बना दिया है। तो अब पहनेंगी हमारी राधा रानी चूड़ियाँ। तो इनकी चूड़ियाँ भी इनकी मैचिंग की हैं, रेड कलर की हैं, गोल्डन है। तो बस इनकी चूड़ियाँ मैं पहना दूंगी इनको। तो अब मैं लगाऊंगी इनके थोड़ा सा काजल, और उसके बाद लगाऊंगी मांग टीका। तो काजल लगाने के लिए आप लाइनर भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास ये वाला काजल है तो मैं ये लगा रही हूँ, और पेंसिल वाला काजल ही लगा नहीं पाती है, तो मैंने इसलिए इसका यही वाला काजल लगाया है। तो बस आपके पास जो भी काजल हो वो आप लगा सकते हैं, आईलाइनर भी लगा सकते हैं, आईलाइनर ही लगवाती नहीं है, तो मैंने इसका आईलाइनर नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं तो आप आईलाइनर लगा सकते हैं अपनी बेटी के। तो बस यहाँ पर काजल लग चुका है इनके।
तो जूड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले इनकी चोटी बांध दी है, जैसे मैं चोटी इनकी डेली बांधती हूँ, रबड़ से मैंने इनकी चोटी बांधी है। और फिर मेरे पास ये आर्टिफिशियल बन है जो मैं इनके लगाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जूड़ा ऐसे करके राउंड करके और फिर पिनअप करके उनमें हेयर पिन लगा सकते हैं, बट मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। तो बस यहाँ पर मैं इनका ये आर्टिफिशियल वाला जूड़ा लगा दे रही हूँ। और ये आता है प्लास्टिक का गजरा बना हुआ, मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है इजीली। तो यहाँ पर मैंने इनके जोड़े के ऊपर लगा दिया, जिससे जितने भी रफ़ हेयर हैं इधर उधर से जो निकल रहे हैं वो कवर हो जाएंगे और राधा रानी हमारी सुंदर लगने लगेंगी। तो देखिए यहाँ से मैंने इनके जोड़े पे वो प्लास्टिक का जो गजरा है वो लगा दिया है और छोटी सी लगा दी है बिंदी। तो राधा रानी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं और मैं इनका दुपट्टा उनके जूड़े पर ही पिनअप कर दूंगी। बस मैंने इनका जूड़े पे इनका दुपट्टा रखा है, उसके बाद मैं इनके जो जूड़े वाले जो पिन आती हैं वो मैं इनके उस पर टक कर दूंगी। तो ये इनका दुपट्टा इधर से उधर कहीं नहीं हिलेगा, चाहे ये डांस करें, चाहे ये इधर उधर कूदें, चाहे फांदें, कुछ भी करती रहें, इनका दुपट्टा इधर उधर से नहीं हिलने वाला। तो ये जो हेयर पिन आती है ना जूड़े वाली, वो मैं इसको टक कर दूँगी उस पर। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी प्यारी सी राधा रानी, और ये रहे इनके फोटोज़। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।